हाय फ्रेंड्स, श्री किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बिरयानी। एक बिरयानी कुकर में तो पकाते हैं हम रोज़, मगर इसे हंडी में बनाने की स्वाद ही कुछ अलग आती है। चलिए हम इसके रेसिपी जान लेंगे। तीन ऑनियन को इस तरह फ्राई करके पहले से निकाल के बाजू में रख देंगे। उसी तेल में आपका मसाले को फ्राई करेंगे। अब उसमें ऑनियन डालेंगे, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अब टमाटर डालेंगे, दो चम्मच बिरयानी मसाला, अच्छे से मसाला फ्राई होने के लिए थोड़ा सा पानी डालना जरूरी है। हरी मिर्ची काट के डालेंगे, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हो। हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, मसाला अच्छे से पक चुका है, अब उसमें दही ऐड करेंगे। अब उसमें अंडे को थोड़ा मसाले में मिक्स करेंगे एक मिनट तक। अब इस अंडे को सेपरेट करके निकाल के एक प्लेट में रख देंगे बाजू में। एक बिरयानी में स्वाद आने के लिए हम मिलाएंगे एक पोटैटो। और स्वादानुसार नमक से एक मिनट तक अच्छे से इस तरह पकाएंगे। अब मैंने 300 ग्राम चावल लिया। अब पुदीना पत्ता, ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हो, और धनिया। चावल को इस तरह स्टेप बाय स्टेप डाल के उसमें अंडे को रख देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा अभी चावल डालेंगे। अब जो फ्राई करके रखे थे हम ऑनियन, उसे भी डालते जाएंगे इस तरह। इस तरह लेयर लेयर आप चावल डालने से आपका बिरयानी अच्छा टेस्ट बन के निकलेगा। अब इसमें 3.5 ग्लास पानी डालेंगे, इतना पानी काफ़ी है। इस तरह थोड़ा सा जलते हुए आग में 25 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम में बिरयानी का स्वाद मज़ा आएगा। बहुत ही सिंपल सा आसान तरीके से एक बिरयानी बन के रेडी हो चुका है। स्वाद ही बहुत ही बढ़िया आ रहा है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए और कमेंट भी कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खाते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।